हेलो एस वेलकम टू दिस सेशन सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डील विद द ईयर एंड रिव्यू ऑफ द ट्राइबल मिनिस्ट्री और इसकी जो समरी है दैट विल बी अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल एज वेल एंड इट विल बी अवेलेबल ऑन द ऐप एज वेल ठीक है अगर फिर भी नहीं मिल रही है तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर आपको इंस्टीट्यूशन का नंबर मिल जाएगा वहाँ पे आप जो है वो मैसेज करके इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट को अवेल कर सकते हैं ठीक है सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बेसिकली इसका जो बजट है वो बढ़ा दिया गया है एंड इट इज अंडर दिजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ द इंक्लूसिव डेवलपमेंट सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास ठीक है और जो बजटरी इंक्रीज हुआ है इट इज़ बेसिकली सेवेंटी पॉइंट सिक्स नाइन परसेंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स रिवाइज एस्टिमेट्स ठीक है इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम उनको जल्दी जल्दी से जो है वो कवर करेंगे ठीक है बाकी ये जो डॉक्यूमेंट है इसको आप पढ़ सकते हैं और फिर बात आती है कि वॉट आर द मेजर इनिशियेटिव जो कि पिछले साल लिए गए थे जो सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था दैट इज़ प्रधानमंत्री पी डेवलपमेंट मिशन ठीक है ऐसा नहीं है कि पिछले साल ही इसको शुरू किया था बट पिछले साल इसका जो स्कोप है वो इंक्रीज कर दिया गया था सो इट फोकस्ड एक्सट्रीमली ओन दी पी उनका जो पुनर् uh, उनका हैबिलेशन है उसके ऊपर फोकस किया गया उनके हाउसेस बनाने के ऊपर फोकस किया गया उनको किस तरह से आप क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेल कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस किया गया सैनिटेशन एजुकेशन हेल्थ न्यूट्रिशन कनेक्टिविटी और लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज के ऊपर जो है वो मिनिस्ट्री ने फोकस किया एंड जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द नेशनल सिक्कल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है सो इट वॉज अ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स उसी के साथ जो टेक्निकल सपोर्ट है इट वॉज़ गिवन बाय दी स्टेट गवर्नमेंट्स एज वेल एज आई सी एम आर ठीक है और इसका जो ऑब्जेक्टिव रहा है दैट इज़ कि किस तरह से हम सिक्कल सेल जो डिसीज़ है उसको मैनेज कर सकते हैं किस तरह से ट्राइबल फैमिलीज़ की हम काउंसलिंग करें और प्रिवेंशन जो है वो सिकल सेल एनीमिया प्रिवेंशन स्टेप्स जो है वो लिए जाएं ठीक है एंड बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको फर्स्ट जुलाई 2023 के अंदर जो है वो लॉन्च किया था एंड बेसिकली ये आठ इसका जो टारगेट था इट वाज टू स्क्रीन एट करोड़ ट्राइबल फैमिलीज और एट करोड़ ट्राइबल्स अंडर 40 इयर्स ऑफ एज अगले तीन साल के अंदर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है प्लीज मेक श्योर कि आप इस चीज़ को जो है वो जान लीजिए बिकॉज अक्सर आपसे एक सवाल पूछा जाता है पेपर फर्स्ट के अंदर कि आप जो है वो जेनेटिक्स स्क्रीनिंग के ऊपर लिखिए वहाँ पे आप इसको एज एन एग्जाम्पल यूज कर सकते हो एंड पेपर सेकंड के अंदर एक सवाल जो है वो पूछा जाता है ओन दी ट्राइबल हेल्थ तो वहां पे भी इस चीज को यूज किया जा सकता है देन उसके बाद बात आती है सेंट्रल रिक्रूटमेंट फॉर द टीचर्स फॉर द ई ठीक है ई का मतलब है इक्लव्या मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स तो हमारा प्रयास रहा है पिछले साल कि 38,000 जो टीचर्स हैं और जो स्पोर्ट्स स्टाफ है वो आ, हम एकलव्या मॉडल स्कूल्स के लिए जो रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं उनके लिए हम रिक्रूट करें और उसी के साथ साथ इट विल फेवर और इट विल बेनिफिट अबाउट 3.5 पॉइंट लैख ट्राइबल स्टूडेंट्स ठीक है और फिर उसके बाद जो है वो फंडिंग और डेवलपमेंट असिस्टेंट असिस्टेंस जो है वो आप दिया गया

943 करोड़ रुपीस सो द इंक्रीज हैज़ बीन सब्सटेंशियल ठीक है अब यह तो है कि हमने हेल्थ के लिए क्या किया और बजेटरी अलाउंस जो है वो हमने कितने प्रतिशत या फिर कितना जो है वो हमने बढ़ाया है फिर उसके बाद बात आती है व्हाट आर द कल्चरल इनिशिएटिव्स दैट वी हैव टेकन जो सबसे इंपॉर्टेंट कल्चरल इनिशिएटिव जो हमने लिया है दैट इज जनजातीय गौरव दिवस जनजातीय गौरव दिवस के अंदर जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं हमने उनको ऑनर किया है ख़ास करके जो भगवान बिरसा मुंडा है उनको जो है वो ऑनर किया गया ठीक है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि ट्राइबल्स जो हैं वो कल्चरल पर्सपेक्टिव से या फिर अपने देखने के प्रस्पेक्टिव से अपने आप को फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा जो है वो माने या फिर अपने आप को फ्रीडम स्ट्रगल का नेशनल बिल्डिंग का हिस्सा माने वो ठीक है दिक्कत ये हो जाती है कि ट्राइबल्स जब अपने आप को पूरे देश से अलग देखना शुरू कर देते हैं सो so, वो हमेशा फिर इस चीज़ से इस चीज़ को कैटेगराइज करते हैं अस वर्सेस दे हम लोग जो है वो बाहर हो जाते हैं हम लोग दे के अंदर आ जाते हैं एंड वो अपने आप को अपनी हिस्ट्री को हमसे अलग देखना शुरू कर देते हैं तो इसलिए ऐसे इनिशिएटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जनजातीय गौरव दिवस तो इसके अंदर हमने अलग अलग जो फ्रीडम फाइटर्स जो ट्राइबल बैकग्राउंड के रहे हैं उनको सम्मानित किया है उनको रिकोगनाइज़ किया है ठीक है सो पंद्रह नवम्बर ट्वेंटी को ये जो है वो नेशन वाइड इसकी सेलिब्रेशन हुई और बेसिकली लीडरशिप के अंदर जो है वो हमारे प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट और लोकसभा के स्पीकर जो है वो मौजूद थे ठीक है और इसी के साथ जो पार्टिसिपेशन था छः स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर आए बाईस गवर्नर आए और आपके पास जो है वो सात सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के जो लीडर्स हैं वो आए बहुत सारे एम मौजूद थे ठीक है और उसी के साथ जो ऑर्गेनाइजर्स थे देवर्दे ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स सेंटर फॉर एक्सीलेंस सेंट्रल मिनिस्ट्री स्टेट ट्राइबल मिनिस्ट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा और वहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स को हमने लॉन्च किया दीज इनिशिएटिव्स आर इम्पॉर्टेंट पहली जो चीज़ है और पहली जो स्कीम हमने लॉन्च की दैट इज़ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान दैट इज़ पी एन जन्म पी एन जन्म को बेसिकली हमने चौबीस हज़ार एक सौ चार करोड़ का टोटल आउटले दिया है जिसके अंदर अगेन जो केटर किया जाएगा दैट विल दैट विल बी दी वी टी चीज़ ठीक है और इसको अब किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसको इम्प्लीमेंट अगेन जो नौ मिनिस्ट्रीज हैं उनके थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसका जो पहला फेज़ है वो 25 दिसंबर से 100 डिस्ट्रिक्स के अंदर जो है वो रोल आउट किया है ठीक है हम देखेंगे अपनी खामियां देखेंगे देन उसके बाद सेकंड फेज़ के अंदर इसको बाकी ट्राइबल डिस्ट्रिक्स के अंदर रोल आउट कर दिया जाएगा और इसका जो फोकस रहेगा इट विल बी कि जो आधार इनरोलमेंट है ट्राइबल्स का वो पूरा किया जाए जो जनधन अकाउंट्स हैं वो बनाए जाएं और आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट आयुष्मान भारत इनरोलमेंट जो है वो ट्राइबल्स का पूरा किया जाए फिर उसके बाद आदि महाउत्सव ठीक है इसको जो है वो इनागोरेट किया 16 फरवरी सोलह फरवरी दो हज़ार तेईस के अंदर ठीक है इसका भी ऑब्जेक्टिव यही रहा है कि जो ट्राइबल क्राफ्ट है ट्राइबल कल्चर है क्यूजीन है कमर्स है ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं उनको शो केस किया जाए एंड इवेंचुअली वो ग्लोबलाइजेशन के अंदर अच्छा पार्टिसिपेशन जो है वो कर पाएं उसी के साथ देर वर सर्टन कल्चरल परफॉर्मेंसेज द ट्राइबल डांसेज एक्सेट्रा उनको जो है वो शो किया गया फिर उसके बाद बात आती है अक्लव्या रेजिडेंशियल स्कूल्स और हमने खोले और उसके अंदर जो है वो और कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो की गई ठीक so, uh, है सो ई एम बेसिकली हमने जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे खोले एंड बेसिकली बजट जो है वो थर्टी एट करोड़ का सेंक्शन किया गया फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ठीक है एंड इट वाज़ कंस्ट्रक्टेड बाय हिंदुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एच एच एस ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था इससे पहले राजस्थान के अंदर भी ऐसे स्कूल्स जो है वो खोले गए उदयपुर के अंदर दो स्कूल खोले गए बंसवारा के अंदर दो स्कूल खोले गए प्रतापगढ़ में एक स्कूल खोला और दंगरपुर के अंदर जो है वो एक स्कूल खोला गया ठीक है और इसके अंदर 50 परसेंट जो कोटा है वो गर्ल्स को दिया गया और बेनीफिशरी हम मानते हैं तकरीबन 2800 स्टूडेंट्स जो है वो ट्राइबल स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट होंगे देन उसके बाद जो है वो इससे पहले देर हैज़ बीन पेडिक इंट्रैक्शन ऑफ द ट्राइबल स्टूडेंट्स ऑफ राजस्थान उत्तराखंड झारखंड मध्य प्रदेश उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ इन राष्ट्रपति भवन विद द प्रेजिडेंट ठीक है जो एकलव्य मॉडल स्कूल के स्टूडेंट्स थे उनका जो है वो राष्ट्रपति जी के साथ जो है इंटरेक्शन किया गया फिर उसके बाद जो है इससे पहले भी फरवरी के अंदर जो है वो ताकि उनकी एक को करिकुलर एक्टिविटी हो जाए बच्चों की तो हमने जो है वो उनको राष्ट्रपति भवन के अंदर विजिट करवाई थी उनकी ठीक है एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट्स ठीक है और बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो है वो हमने लिए पिछले साल तो पहला इनिशिएटिव जो था इट वाज महिला एस एच जी सम्मेलन इसके अंदर जो वेन्यू था इट वाज द बिरसा मुंडा कॉलेज स्टेडियम इन झारखंड और ट्राइफेड ने और विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इसको जो है वो ऑर्गेनाइज किया था एंड बेसिकली जो ट्राइबल आर्ट है जो स्टॉल्स हैं उनको डिस्प्ले किया गया और अगेन जो एस एफ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो प्रोडक्ट्स बना रही हैं उन प्रोडक्ट्स को जो है वो फंड किया गया ठीक है एंड उसी के साथ देर विल बी अवेयरनेस कैंपेन्स रिगार्डिंग दी स्क्रीनिंग फॉर दी सिक्कल सेल एनीमिया डिसीज जो कि हमने पहले लॉन्च कर रखा था ट्यूबर क्लॉसिस के रिगार्डिंग अवेयरनेस कैंपेन्स फैलाए गए और मलेरिया से कैसे आप बच सकते हैं इसके लिए जो है वो उनको अवेयर किया गया फिर उसके बाद इंट्रैक्शनस हुए पी वी टी जी इसके मेम्बर से ठीक है अगेन जो लीडर्स हैं थर्ट सेवेंटी फाइव पी वी टी जीज के उनको जो है वो मेंबर्स uh, को बुलाया गया राष्ट्रपति भवन के अंदर एंड अगेन प्रेसिडेंट के साथ और जो बाकी स्टाफ है उसके साथ जो है वो इंटरेक्ट करवाया गया ठीक है फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं दैट इज़ दी स्कॉलरशिप्स हर साल हम जो शेड्यूल ट्राइब बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप्स देते हैं दी स्कॉलरशिप्स दे कैन बी डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक नेशनल फेलोशिप स्कीम एंड नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर दी हायर एजुकेशन फॉर दी एस टी स्टूडेंट्स प्री मैट्रिक स्कीम जो है वो बेसिकली दसवीं से नीचे जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनको जो है वो दी जाती है पोस्ट मैट्रिक स्कीम जो है वो दसवीं के बाद वाली जो जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप है उसको हम कहते हैं एंड देन यू हैव देशनल फेलोशिप स्कीम फॉर दायर एजुकेशन उसके बाद बारहवीं करने के बाद जो है वो यूनिवर्सिटी वगैरह के अंदर बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए वो जो है वो उनको पैसे दिए जाते हैं स्कॉलरशिप लगाई जाती है एंड देन यू हैव अ टॉप क्लास नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम के अंदर अगर आप टॉप परफॉर्मिंग जो एस बच्चे होते हैं उनको और बढ़िया जो प्रस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर जाना चाहते हैं उसके लिए जो है वो पैसे दिए जाते हैं देन उसके बाद अगर कोई अब्रॉड जाना चाहते हो उसके लिए नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एस टी स्टूडेंट जो है वो लागू की जाती है ठीक है सो दिस इज द डेटा इतने बेनिफिशरीज जो है वो हमने आ, इनको जो है वो स्कॉलरशिप दी है ठीक है तो एक बार जो है वो डेटा को जरूर गो थ्रू हो जाइएगा एंड देन उसके बाद बात आती है द फॉरेस्ट राइट एक्ट नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट इसको जो है वो जरूर याद कर लीजिएगा दैट तकरीबन इस साल हम ट्वेंटी थ्री पॉइंट 43 लाख लैंड टाइटल्स जो है वो हम दे पाए हैं ट्राइबल्स को ठीक है और तकरीबन 1.8 करोड़ एकर्स ऑफ लैंड ट्राइबल्स के अंदर जो है वो बांटी गई है ठीक है तो उनके अंदर ट्राइबल्स का पुनर्वास जो है वो हुआ है उनको ट्राइबल्स को उस जमीन का कब्जा जो है वो मिला है ठीक है देन उसके बाद बात आती है दैट जो पिछले से पिछले साल आई थिंक ये कम्पेन जो है वो लॉन्च हुआ था अमेज़ोन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम और उसका जो फ़ेज़ टू है ये पिछले साल हमने रोल आउट किया इस प्रोग्राम को बेसिकली हेड किया इट हैज़ बीन रोल्ड आउट विद दी हेल्प ऑफ द नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फ़ॉर द ट्राइबल स्टूडेंट्स इसने अमेज़ॉन इंडिया और लर्निंग लिंक फाउंडेशन के साथ जो है वो मिलकर करिकुलम बनाया था और इसके अंदर बेसिकली ट्राइबल जो ट्राइबल बच्चे हैं जो कि कंप्यूटर्स की दुनिया के अंदर जाना चाहते हैं वो ब्लॉक प्रोग्रामिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है वो सीखेंगे देन उसके बाद बेस्ट टेबू अवार्ड जो है वो रिपब्लिक डे परेड के ऊपर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर को मिला फिर उसके बाद जो है वो आदि शौर्य पूर्व पराक्रम का जो है वो सेलिब्रेशन जब करवाया गया इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इंडियन कोस्ट एंड इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा उसके अंदर जो है वो ट्राइबल डांसेस वगैरह को आ, जो है वो परफॉर्म किया गया उनको जो है वो शो केस करवाया गया देन उसके बाद ऑन ओन गुड गवर्नेंस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को बुलाया गया और प्रोजेक्ट ऑफिसर्स जो कि आई टी के प्रोजेक्ट ऑफिसर्स हैं उनको बुलाया गया एंड उनको बेसिकली गुड गवर्नेंस का पार्ट जो है वो पढ़ाया गया ठीक है बिकॉज़ यहाँ पे दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं ठीक है गुड गवर्नेंस के नाम पे कुछ नहीं है अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें तो धीरे धीरे सरकार जो है वो उस तरफ जाने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से गुड गवर्नेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्स के अंदर जो है वो लगाए जाएं तो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं दैट आर दैट आर हेडिंग द डेवलपमेंटल ब्लॉक्स और उसी के साथ जो आई के प्रोजेक्ट ऑफिसर्स होते हैं उनको अक्सर बुलाया जाता है और उनकी वर्कशॉप्स वगैरह लगाई जाती हैं ताकि थोड़ा बहुत जो है वो हम उनको एम्पैथी सिखा सकें देन उसके बाद बात आती है द डिस्कशन ऑन द फील्ड विजिट्स टू दी वी टी जी ठीक है तो बेसिकली श्री अर्जुन मुंडा जो है हु इज़ चेयरिंग द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स उन्होंने जो है वो कुछ फील्ड वर्क्स किए इन दी पीवीटीजी एरियाज़ ताकि वो ज़मीनी हकीकत को जो है वो देख सकें फिर उसके बाद जो है वो कौशल महाउत्सव जॉब फेयर जो है वो लगाया गया ताकि श्रे किला के अंदर ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ट्राइबल यूथ को दी जा सकें और इसके अंदर बेसिकली मोर देन थ्री फिफ्टी कैंडिडेट्स ये ग्यारह कंपनीज़ के अंदर जो है वो इनकी प्लेसमेंट हुई देन उसके बाद बात आती है अंडेमान आइलैंडर्स के अंदर जो है वो श्री मुंडा की एक विजिट हुई ठीक है ओंगेज के अंदर विट इज विच इज़ अ पी वी टी जी ठीक है देन उसके बाद बात आती है पी टी पी एन ई आर स्कीम दिस स्कीम इट्स इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ़ द ट्राइबल प्रोडक्ट्स इन दी नॉर्थ ईस्ट रीजन ये मणिपुर के अंदर जो है वो स्कीम लगाई गई ताकि वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके ठीक है और जो बैम्बू प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे जो मैन्युफैक्चर होते हैं उनको हम किसी ना किसी तरीके से प्रमोट कर सकें देन उसके बाद विलेज सरपंचज के साथ जो है वो इंट्रैक्शन हुई ठीक है ताकि अगेन उनको भी अच्छी गवर्नेंस चलानी जो है वो हम सिखा सकें देन उसके बाद बात आती है द पार्टिसिपेशन इन दी ट्वेंटी समिट ठीक है सो ट्राईफेड द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया इसने अपने जो सामान है जो ट्राइबल गुड्स हैं या फिर जो ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट है ख़ास करके जो पिथोरा आर्ट है उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया जी ट्वेंटी सबमिट के अंदर फिर उसके बाद बात आती है एकलव्य मॉडल स्कूल्स नेशनल कल्चरल एंड लिटरेरी फेस्ट एंड कला महोत्सव और कला उत्सव 2023। इसके अंदर भी जो है वो जो ट्राइबल क्राफ्ट है ट्राइबल कल्चर है उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया गया ताकि लोगों के अंदर उस चीज़ का अवेयरनेस जो है वो फैलाया जा सके दन उसके बाद स्पेशल कैंपेन 3.0 ऑफ